तो भाई लोग कैसे हो आपका भाई अंकित। फिर से आज एक धमाकेदार वीडियो के साथ भाई बहुत सारा चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जोम्बी मोड है हार्ड वाला वो अभी तक गेम नहीं जीते, क्योंकि उनकी गलतियाँ होती है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से खेलें जिससे कि ये जो हार्ड वाला गेम प्ले है वो हम जीत सके, जो गेम है वो हम जीत सके। उनको भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे तैसे जा तो रहे। कभी कभी नसीब अच्छा होता है जो रैंडम के वजह से कुछ लोग जीत जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हारना पड़ता है क्योंकि उससे खुद समझ में नहीं आ रहा, रैंडम के भरोसे रहता है कि क्या करो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं खुद अकेला खेलता हूँ और पूरे जितने तीन रैंडम होते तीनों को मैं अकेला कैरी करता हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आप लोगों को समझना पड़ेगा कि असल में हम किस तरीके से खेलें जिससे कि हम भी रैंडम के साथ खेल सकते और जीत भी सकते, और हमारा जितने भी कैमो हमारा फेवरेट गन है हम उनको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इस जगह पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपका जो सेंट्री गन है उसको अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपग्रेड करने के लिए चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। चैलेंज मतलब आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको डे का मिशन कंप्लीट करना है, इसका मिशन कंप्लीट करना है, जो जो आपको मिशन दिया रहेगा उनको आपको कंप्लीट करना। आप देख रहे हो ना, मैंने ये दोनों अनलॉक कर लिया है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। मेरा अभी टीयर ये 34 है, असल में मेरा 41 है। ये वीडियो थोड़ा पुराना था, कल मुझे अपलोड करना था, ये मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाना कि आपको जो सेंट्री गन है जो मेन बात आती है, सेंट्री गन के वजह से ही लोग जीतते हैं, तो उसको मैं आपको लगाना सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सबसे हैवी वाला लगा सकते हो और कैसे कैसे जीत सकते हो आप। क्योंकि देखो, आप अकेले बंदे ज़्यादा जोम्बी को नहीं मार पाओगे, जो भी करेगा ये सेंट्री गन ही करता है। और सबसे दमदार सबसे पावरफुल सेंट्री गन कौन सा है, वो है मिसाइल वाला। ठीक है, तो मिसाइल वाला भी मैं आप लोगों को लगाना सिखाऊंगा कि मिसाइल वाला आप लोगों को किस तरीके से लगाना है। आप अगर दो मिसाइल वाला लगा देते हो ना तो पूरा गेम आपके हाथ में आ जाएगा, और अगर चार हो गया तब तो भाई आग लगा दोगे। और ये जो आप देख रहे हो ये है मिशन, ये मिशन आपको कंप्लीट करोगे तब जाके आपका जो टैलेंट लेवल है वो अपग्रेड होगा, वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख लेना, ये बोल रहा है कि मिसाइल वाला आपको वो लगाना है सेंट्री गन, फिर कैनन वाला लगाना, थंडर वाला लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो, ये होती है अपग्रेड करने का तरीका कि आपको अपग्रेड कैसे करना है असल में। ठीक है, जैसे ही हम पहली बार सेंट्री गन लगाते हैं तो अपग्रेड करने के लिए, उसके बाद जब आप मोड उठा लोगे तो अपग्रेड करने के लिए लेफ्ट एंड राइट आता है, दो ऑप्शन आता है। तो उस चीज़ में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अगर लेफ़्ट में क्लिक करूँगा तो क्या होगा और राइट में क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो हम आ जाते हैं। अब ये हो गया लेफ़्ट एंड राइट, ये ध्यान रखना मैं लेफ़्ट एंड राइट बोल रहा हूँ, तो ये नोटिस करना, ये आगे तक चलेगा लेफ़्ट एंड राइट क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला आपने सेंट्री गन लगा लिया है, लगाने के बाद अपग्रेड करने के लिए लेफ़्ट एंड राइट बता रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं लेफ़्ट में, लेफ़्ट में क्लिक करते तो क्या आएगा, लेफ़्ट में क्लिक करेंगे तो आएगा हैवी सेंट्री गन और लेज़र। ठीक है, और अगर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ग्रेनेड वाला और फायर ग्रेनेड वाला। तो हमें कौन सा चाहिए, कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है? जो बेस्ट है वो मिसाइल वाला है। असल में मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको लेफ़्ट एंड राइट का जो मेन पोस्ट है वो मैं दिखा दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा मिसाइल कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, चार तरीके का मिसाइल होते हैं। तो हम आ जाते हैं लेफ़्ट वाले लेवल 4 में। आपको मिशन में भी जो चैलेंज है उसमें बताया होगा कि कैनन वाला सेंट्री गन लगाना है और थंडर वाला जो आपको लेफ़्ट में मिलेगा। ठीक है, लेफ़्ट वाले में अगर क्लिक करोगे तो हैवी वाला जो लेवल 3 है, हैवी वाले पे क्लिक करोगे उसको अपग्रेड करने के बाद जो लेवल 4 है लास्ट वाला वो बन जाएगा आपका कैनन, और अगर लेज़र पर क्लिक करते हो उसका 4 वाला जो लास्ट है वो बन जाएगा थंडर वाला। ठीक है, आ गया समझ आप लोगों को, मतलब लेफ़्ट में हमें थंडर और कैनन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लास्ट का ही है। अब हमें मिशन में ये बताता है कि हमें मिसाइल वाला टैरेट लगाना है और टार ग्रेनेड वाला टैरेट लगाना है, मतलब सेंट्री गन लगाना है। तो वो जो लेवल 3 है, लेवल 3 का आप राइट का डबल ग्रेनेड में क्लिक करोगे तो उसका 4 वाला जो बनेगा वो मिसाइल टैरेट बनेगा, और अगर आप फायर वाले पर क्लिक करते हो थर्ड लेवल का तो उसका 4th वाला बनेगा टार ग्रेनेड। ठीक है, और मैं फिर से बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो आप ये देख रहे हो मिसाइल टरेट, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जितने भी बड़े बड़े ज़ोंबी आते हैं ये अकेला खाने का दम रखता है, जितना आप नहीं कर पाओगे ये मिसाइल कर देगा। चलो यहाँ तक तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो सही है, अगर समझ में नहीं आया है
आपको मैच कैसे जीतना है उसका मैं आसान तरीका बता देता हूँ। आप कौन सा सेंट्री गन लगाने वाले हो जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा ज़ोंबी मारने की ज़रूरत नहीं होगी, वो है मिसाइल वाला। और मिसाइल वाला मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सा मोड उठाना है असल में, जो मिसाइल वाला आपको लगाना है, ठीक है। मिसाइल वाला जो सेंट्री गन है उसके लिए हमें कौन कौन सा मोड उठाना भी पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। असल में जैसे आप अपग्रेड करते हो तो नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये अपग्रेड करने के लिए आपको कौन कौन सा मोड उठाना पड़ेगा, ठीक है। आप इस जगह से भी देख सकते हो। चलो तो हमारा पहला दिन ख़त्म हो चुका है, अब हमको ड्रॉप लूटना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चॉपर। सबसे पहले ध्यान रखना आप जो आसान गाड़ी वाली जो भी आसान होगा, आसपास ड्रॉप गिरा होगा तो इसके आसपास ही गिरा है, तो वो लेने की कोशिश करना ताकि आप जल्दी से जा पाओ। मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और आपको जो मोड उठाना है वो है ग्रेनेड मोड, जो कि बहुत ही कम मिलता है। ये देख रहे हो ये पीला वाला, ये उठाना है। इसमें ग्रेनेड मोड लिखा होगा और लेवल 2 का एक होता है ये जो सामने पड़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। असल में ये जो पीली वाली ग्रेनेड थी ये बहुत ही कम मिलता है, तो आपको ये लेने की कोशिश करना है। और अगर कैमो के लिए आप गेम खेल रहे हो तो दिन के ये जो नॉर्मल ज़ॉम्बी होता है इनको आपको गिन के मारने पड़ेंगे, जो कि आपको टारगेट दिया गया 25 मारना है या कितना मारना है। आपको ये वाले ज़ॉम्बी मारोगे तभी अनलॉक होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई अनलॉक क्यों नहीं हुआ, असल में ये ज़ॉम्बी मारने होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग भाई लूटने में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो ना ज़ॉम्बी मार पाते ना कुछ कर पाते। देखो मैं ज़ॉम्बी भी मार रहा हूँ और मेरे को यही से जो एमओ है मेन वो मिल भी रहा है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलो अब आ चुका है सेकंड डे और मेरा ये अपग्रेड के लिए बोल रहा है, तो ये अपग्रेड के लिए आया तो मैं राइट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे मिसाइल वाला चाहिए। ध्यान रखना मैं अपग्रेड के लिए राइट पे क्लिक किया हूँ। अब सेकंड फिर से अपडेट आएगा तब मैं किस पे क्लिक करने वाला हूँ उस पे ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट वाले में मैंने राइट पे क्लिक किया, अपडेट आने दो। अपडेट आ चुका है, देख रहे हो ऊपर ये प्लस का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये हमारा जो है ये बोल रहा है अपग्रेड। अब मैं करूँगा लेफ्ट वाले में, पहले राइट किया था अब करूँगा लेफ्ट वाले में, उसी में करना है, ठीक है। दूसरा वाला मत कर देना, वही करोगे। ये देख रहे हो ग्रेनेड लिखा आ रखा है, ये थर्ड वाले में मैं पहुँच चुका हूँ, लेवल 3 में पहुँच चुका हूँ। और ये वाला सेंट्री गन जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। चलो अब हमको चाहिए भाई ग्रेनेड मोड पीली वाली, क्योंकि ये तो दिन ख़त्म हो चुका है, थर्ड डे चल रहा है, तो हमको बहुत ज़्यादा लूटना है। तो आप चॉपर फिर से ले लोगे, मैप छोटा करके देखोगे कि ड्रॉप कहाँ पे गिरा है, तो हम उस ड्रॉप पे चलने वाले। तो ड्रॉप मिलने वाला है हमको इस जगह पे, देख रहे हो आप 3-3 गिरा है, तो आराम से उतारते यहाँ पे। नाइस उतार चुके। हमको चाहिए भाई ग्रेनेड मोड, तो ग्रेनेड मोड कौन सी है, पीली वाली। हमको मिसाइल के लिए 3 चाहिए होगा, फोर्थ वाला मैक्स हो जाएगा फिर वो, फिर उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप और भी सेंट्री गन लगा सकते हो। ऐसे तो मैं थर्ड डे में ही 3 कंप्लीट कर देता हूँ अपना, आप लोग जैसे चाहो कर सकते हो। आप इसको भी मैं लूट लेता हूँ। नाइस, ये देख रहे हो पीली वाली, ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी कैनन वैनन कुछ चाहिए तो आपको हरा वाला, नीला वाला और रेड वाला भी चाहिए होगा, ठीक है। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा मैंने लूट लिया है। चल भाई तू फूट ना, क्या खाज खुजली कर रहा है। तो सामने ही यहाँ पे वो चेंज हो चुका है पोजिशन, तो मैं जाके लगा देता हूँ। और मैं जो मेरा मिसाइल वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था पूरे वीडियो में कि वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, वो मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ असल में कि कैसा दिखता है। ये हो गया हमारा ग्रेनेड मोड, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल वाला। तो हमको अपग्रेड करना है इसको अपग्रेड करना है। तो ये देख रहो मिसाइल टैरेट कम्प्लीट हो चुका है, तो हम इसको अपग्रेड करते हैं। ये करते हैं क्लिक, एक स्क्रीन शॉट भी ले लेते साथ ही साथ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ मैं। नाइस, ये अपग्रेड हो रहा है, तब तक ये देख रहे हो ये अपग्रेड हो चुका है। और ये जो मैंने कैनन के लिए बनाया था इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आप अपग्रेड पे क्लिक करके हर एक चीज़ देख सकते हो। असल में वो हरा वाला चाहिए, ये मेरा अपग्रेड हो चुका है। इसको मैं लगा देता हूँ ये किनारे, और इस छोटू को भी यहाँ पे लगा देता हूँ किनारे, क्योंकि इधर से ज़्यादा ज़ॉम्बी आते, जिधर ज़्यादा ज़ॉम्बी आता उधर आप रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। और बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ही नया डे आने वाला है तो आप सारा की सारा इसमें जितने भी माल पानी है ना इसमें रख सकते हो, क्योंकि आपका बैग अगर फुल रहेगा तो बाकी के सामान आप ले नहीं पाओगे, तो इसमें रख देना सेफ। छोटे मोटे चीज़ रखना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मत रखना, नहीं तो आपके बंदे चुरा लेंगे। जैसे पीला वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं उसको रखा नहीं हूँ, ठीक है। तो रात हो चुकी है, अब ज़ॉम्बी आने वाला है। अब देखना जो मेरा मिसाइल वाला है, मैं ज़्यादा बंदे नहीं मारूंगा, ये देख रहे हो क्या मार रहा है। अब देखना मिसाइल छोड़ेगा ये, फिर से छोड़ छोड़ साले, ये देख रहे हो
ये आधा काम यही कर देता है, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। और आपका जो पॉइंट है ना वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर भरेगा। देख रहे हो किस तरीके से मार रहा है ये, खतरनाक भाई साहब। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को अपग्रेड करना। ये अपग्रेड के लिए आ रहा है, मुझे कैनन वाला बनाना है तो मैं फिर से कैनन में क्लिक करता हूँ, ये अपग्रेड हो रहा है ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ज़ोंबी होती है असल में, वहाँ पे आपका जो सेंट्री गन है वहाँ पे आप लगाओगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। जैसे कि इधर का अभी ज़ोंबी ख़त्म होने वाला है तो मेरा जो सेंट्री गन है, अब देखो उधर से आ रहा है, आगे की साइड से उधर से आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको उठा लेता हूँ। और ये जो आप वाइट कलर का निशान देख रहे हो वो रेंज बता रहा है कि इतना रेंज तक इसका कवर रहेगा, वो मार सकता है, इसीलिए ज़ोंबियों के थोड़ा नज़दीक लेके जाता हूँ ताकि आसान पड़े ठीक है। तो बाकी भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना जिसके साथ आप खेलते हो, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उनको भी बोल देना सब्सक्राइब के लिए ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था, थैंक यू भाई, लव यू ऑल, और अपना ध्यान रखना भाई लोग, बाय।